सिंपल हार्मोनिक मोशन आप सबने समझा है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है प्रोग्रेसिव वेव। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने केवल एक पार्टिकल या एक बॉडी के मोशन को समझा था। यहाँ एक पार्टिकल के बाद अगला, फिर उसके बाद अगला, फिर उसके बाद अगला। जब मीडियम के पार्टिकल एक के बाद एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने लगे तो इन सब से मिलकर बनती है प्रोग्रेसिव वेव। और क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं पार्टिकल, तो हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। बहुत सिंपल सा आपका एग्जाम्पल है आपकी डे टू डे लाइफ का, क्या? हाँ जी, प्रोग्रेसिव वेव या सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आपने पानी की सरफेस पर यहाँ पत्थर फेंका और इस पानी की सरफेस से कुछ लहरें बनी। लहरें में डॉटेड लाइन से बना रहा हूं और कंटिन्यूअस लाइन से। ये डॉटेड रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पानी का सरफेस उसकी नॉर्मल से कम चला गया। मतलब मैंने जो पानी का सरफेस अगर ट्रांसवर्स बनाऊं, ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर बनाऊं पानी की सरफेस का, तो जो अपनी नॉर्मल सरफेस से ऊपर है ये मैंने बनाया कंटिन्यूअस, और जो नॉर्मल नॉर्मल से नीचे चला गया इसे बनाया डॉटेड। ऐसे ये जो डॉटेड वाला हिस्सा है ये ट्रफ बना, और जो ये कंटिन्यूअस वाला पार्ट है ये क्रेस्ट बना। और ये जो क्रेस्ट और ट्रफ्स हैं, क्रेस्ट और ट्रफ्स, ये आगे बढ़ते जाते हैं मीडियम में। यही अगर आप बनाएं तो ये आपके वाटर सरफेस की नॉर्मल पोजीशन थी, अनडिस्टर्ब्ड, एक प्लेन बिल्कुल। जब आपने यहां डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो ये डिस्टरबेंस जहां से भी आपने इसे क्रिएट किया है यहां से दूर की तरफ बढ़ता चला जाता है, हर तरफ, हर एक डायरेक्शन में। तो उसमें से ये समझ लीजिए इस लाइन का क्रॉस सेक्शन है ये। कहीं पर लिक्विड या पानी अपनी नॉर्मल से नीचे है, अंदर को दबा हुआ है, कहीं पानी का सरफेस नॉर्मल से ऊपर उभरा हुआ है। इसको हम बोलते हैं ट्रफ, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट और ट्रफ्स की फॉर्म में आ गया ये। और ये आपने एनर्जी दी एक पार्टिकल को यहां, इसे आपने डिस्टर्ब किया पत्थर डालकर यहां। इस पार्टिकल को तो कोई डिस्टरबेंस नहीं किया था आपने, लेकिन वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ गया। डिस्टरबेंस का ये आगे बढ़ना ही वेव है। कैसे बढ़ा? कि सबसे पहले इस पार्टिकल को आपने एनर्जी दी, इसने अपने बराबर वाले पार्टिकल को एनर्जी दी और इसे ऊपर उठा दिया। फिर इसने अपने बराबर वाले पार्टिकल को एनर्जी दी, ऊपर उठा दिया। फिर इसने बराबर वाले पार्टिकल को एनर्जी दी, ऊपर उठा दिया। ये आगे बढ़ना, ये कहलाएगा आपका प्रोग्रेसिव वेव। कौन सी वेव? प्रोग्रेसिव वेव। और क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव के आगे बढ़ते समय देखो, अभी अभी ये वाला पार्ट आपका नॉर्मल से नीचे दबा हुआ है, लेकिन कुछ इंस्टेंट के बाद में, कुछ टाइम के बाद में पोजीशन पलट जाएगी। मतलब यही जो पानी जहां जिस जगह नीचे दबा हुआ था वहां ऊपर उठ जाएगा, और जहां ऊपर उठा हुआ था वहां से नीचे दब जाएगा। तो यहां जो ये पार्टिकल है जो अभी लिक्विड की नॉर्मल सरफेस के नॉर्मल से नीचे था, ये ऊपर उठने के लिए ऊपर गया ना, यहां से उठकर ऊपर गया। फिर उसके बाद कुछ देर बाद क्या होगा? फिर कुछ देर बाद फिर से क्या होगी? फिर से स्थिति थोड़ी सी पलट जाएगी। क्या? कि जो अभी इस समय नीचे दबा हुआ पोर्शन है ये ऊपर उठ जाएगा, और जो ऊपर उठा हुआ है ये नीचे दब जाएगा, जो नीचे दबा हुआ ऊपर उठ जाएगा। फिर से इसके बीच की भी बहुत सारी कंडीशंस होंगी, लेकिन फिलहाल अभी हम उन कंडीशंस को देख नहीं रहे। तो ये जो ऊपर उठा हुआ पार्टिकल है ये नीचे तक पहुंचने के लिए ऐसे गया। इसका मतलब यहाँ ये पार्टिकल का मूवमेंट क्या है? पार्टिकल का मूवमेंट है परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन, और ये पार्टिकल का मूवमेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन है।
आपने इस पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिक मोशन कराया, इसने अपना मोशन अगले पार्टिकल को दिया, फिर उसने अगले पार्टिकल को, फिर इस अगले पार्टिकल को, और ये मोशन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर आगे बढ़ता चला जा रहा, प्रोपिगेट हो रहा है। इसी को हम कहेंगे वेव का आगे बढ़ना, प्रोग्रेशन ऑफ वेव, वेव का आगे बढ़ना, प्रोग्रेशन ऑफ वेव। ठीक है, अभी जो हमने इक्वेशन फाइंड की थी वो इस एक पार्टिकल, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए एक पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपने फाइंड की थी, वाई इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, और यहां बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में आते चले आ रहे हैं। तो अब इस वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इक्वेशन बनानी है, जिस वेव पर मौजूद मीडियम का हर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, इस वेव की इक्वेशन बनानी है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पार्टिकल भी, ये पार्टिकल भी, ये पार्टिकल भी, ये अभी मीन पोजीशन पर है, कुछ देर बाद ऊपर उठ जाएगा फिर नीचे आएगा, ये अपनी मीन पोजीशन पर है, कुछ टाइम बाद ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। इस पूरे के पूरे मीडियम का हर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, हर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, इस लहर के बजाय आप इमेजिन कीजिए कि आपने सामने दीवार पर एक रस्सी बांध ली और ये खुला सिरा आपके हाथ में है, और इसे आप वर्टिकल मोशन कर रहे हैं, तो रस्सी में लहरें बन जाएंगी, बन जाएंगी ना। अब उस लहर का बनना, रस्सी में उस लहर का बनना कैसे होगा, कैसे होगा, समझने की बात ज्यादा है, लिखने के लिए शायद आज 2-3 मिनट का भी काम नहीं है। ये एक रस्सी है, रस्सी की अपनी नॉर्मल पोजीशन है, और आपने इसे सामने एक रिजिड सपोर्ट से बांधा हुआ है, और इस फ्री एंड को, ये खुला सिरा, फ्री एंड को आप मोशन दे रहे हैं, फ्री एंड को आप मोशन दे रहे हैं। तो ये इसकी पोजीशन हो गई किस टाइम पर, टाइम इक्वल 0 पर, रस्सी अपनी नॉर्मल पोजीशन पर है, रस्सी के डिफरेंट पार्टिकल्स अपनी अपनी मीन पोजीशन पर है, इनमें कोई मूवमेंट नहीं है। अब आपने यहां से हाथ से रस्सी का ये खुला सिरा ऊपर उठाया, तो अब देखना क्या कंडीशन बनेगी। अब कंडीशन ये बनने वाली है कि रस्सी का जो खुला सिरा है वो यहां पहुंच गया, इसे मैं ब्लैक से बना लूं या ब्लू से बना लूं, रस्सी का खुला सिरा यहां पहुंच गया, इसे आप ऊपर उठा रहे हैं, तो रस्सी की पोजीशन क्या होगी, ये आपकी रस्सी की पोजीशन होगी। अब थोड़ा सा हिस्सा इसका शुरू का, थोड़ा सा एंड इसका, फ्री एंड आपके हाथ के साथ ऊपर उठा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, आपका हाथ अभी और ऊपर चल रहा है, आपका हाथ अभी और ऊपर उठ रहा है, तो यहां से आपका हाथ यहां तक गया, और अब रस्सी का ये पार्ट भी थोड़ा सा और पार्ट ऊपर उठ गया आपके हाथ के साथ साथ, फिर आपका हाथ अभी और ऊपर गया। बहुत सारे डायग्राम ड्रॉ करने हैं, आपका हाथ अभी और ऊपर गया यहां तक, तो अब रस्सी का ये वाला पार्ट भी ऊपर चला गया अपनी नॉर्मल पोजीशन से। अब आप अपना हाथ नीचे लाने लगे, अपना हाथ, आपका हाथ क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, पीक पर पहुंचकर, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर पहुंचकर अब आप वापस ला रहे हैं, हाथ वापस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इसे हम कोरिलेट करेंगे अपने रेफरेंस सर्किल के साथ, लेकिन फिलहाल हम सिंपल एग्जांपल समझ लीजिए। बिल्कुल, अब आपका हाथ यहां नीचे आ गया, अभी तक तो कहां था, अपवर्ड मोशन में था, अब डाउनवर्ड मोशन में है, तो रस्सी की पोजीशन क्या बनेगी, ये बनेगी आपकी रस्सी की पोजीशन। आपका हाथ थोड़ा सा और नीचे आया, थोड़ा सा और नीचे आया आपका हाथ, तो अब रस्सी की पोजीशन ये बन जाएगी। देखिए ध्यान से आप,
जैसे जैसे आपके हाथ का मूवमेंट है, ये मूवमेंट अगले 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 नेक्स्ट 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 पार्टिकल पर ट्रांसफर होता जा रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्टिकल पर ट्रांसफर होता जा रहा है, ठीक है। फिर आपका हाथ अपनी मीन पोजीशन पर आ गया, आपका हाथ अपनी मीन पोजीशन पर आ गया, तो मीन पोजीशन पर आने के बाद अब कंडीशन क्या बनेगी, ये बन जाएगी, यानी आपके हाथ का मूवमेंट आगे आगे अगले 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 पार्टिकल को, नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर होता जा रहा है, ठीक है। अब इसे अगर आप रेफरेंस सर्किल के साथ में कोरिलेट कर पाए तो बहुत जल्दी बहुत आराम से समझ आ जाएगा, बहुत आराम से समझ आएगा बहुत जल्दी। और ये कोरिलेट करना भी पड़ेगा, कोरिलेट आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार हम इन सब चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़कर डेरिवेशंस करेंगे, कुछ नए फिनोमिनन समझेंगे। ये आपका रेफरेंस सर्किल है, रेफरेंस सर्किल, ये आपके रेफरेंस सर्किल का डायमीटर वाई एक्सिस और ये आपकी एक्स एक्सिस। अब मैं इस एक्स एक्सिस को आगे तक एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है। एक पार्टिकल था पी जो मूव कर रहा था यहां, और इस पार्टिकल पी का परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया था कहां, वाई वाई डैश पर, ये आपका एक्स डैश और एक्स है, ये था आपका नॉर्मल जिसे हमने एन नाम दिया था। पार्टिकल पी के रोटेशनल मोशन के साथ साथ इस एन का मोशन कैसा था, ओ से वाई तक जाना, वाई से ओ तक आना, ओ से वाई डैश तक जाना, और वाई डैश से वापस ओ पर आना, मोशन था, ठीक है। बस आप ये सोच लीजिए कि ये जो एन है इसके साथ आपने रस्सी बांधी हुई है, तो ये एन कैसे मूव कर रहा है, ठीक। जब ये एन ऊपर गया तो रस्सी इसके साथ ऊपर गई, जब एन वापस आया तो रस्सी नीचे आई फिर ये आई, तो जब तक ये पूरा एक सर्किल कंप्लीट करेगा पी, तब तक एन का एक ऑसिलेशन पूरा हो जाएगा, ओ से वाई, वाई से ओ से वाई डैश तक, और फिर वाई डैश से ओ तक। और उतनी देर में रस्सी का मोशन कैसा होगा, रस्सी का मोशन ये बन जाएगा, यहां से इसने शुरू करा, देखो ध्यान से, ये एन और ये, एन के साथ साथ, ठीक है। यहां से इसने शुरू करा, मतलब जो मोशन एन ने यहां से शुरू करा था वो एक टाइम पीरियड होते होते यहां तक पहुंच गया, तो इसने कैसे शुरू किया था, एन के साथ साथ ये ऊपर गया, बल्कि मुझे अभी भी गड़बड़ कर दी मैंने, मुझे इसका जो पीक है वो ये यहां तक ड्रॉ करना चाहिए, ये दिस इज द पीक, जो पीक कहां तक है, रेडियस ऑफ रेफरेंस सर्किल के इक्वल तक। तो यहां आपका ये एन, एन के साथ साथ ये रस्सी ऊपर गई है यहां तक, फिर नीचे आई, फिर नीचे गई और फिर यहां तक आ गई। हम उल्टा देख रहे हैं इसे, एक्चुअली हम उल्टा देख रहे हैं, जब n यहां गया होगा तो ये वाला, जब n यहां था तो ये पार्ट यहां था, जब n ऊपर गया तो ये वाला पार्ट बना, फिर ये n ऊपर गया ये पार्ट बना, फिर ये पार्ट बना, ये लगातार क्या हो रहा है, इसमें आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक ये पूरी कहलाएगी एक वेव, एक वेव बन गई। कब बनी एक वेव, जब आपके इस ऑसिलेटिंग पार्टिकल ने अपना एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया, एक ऑसिलेशन पूरा करते में करने पर इसने एक वेव जनरेट करके मीडियम में आगे छोड़ दी, बढ़ा दी आगे को। अब ये अगला पार्ट पूरा करेगा तो ये पूरा का पूरा पार्ट सेगमेंट आगे बढ़ चुका होगा और इसके नीचे एक और नया क्रिएट हो जाएगा, क्लियर है बात।
एक्चुअली ये वही चीज है जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का आपका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना था, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ही तो है ये पार्टिकल कहाँ डिस्प्लेस हो गया, एम्पलीट्यूड ए पर पॉजिटिव। ये पार्टिकल कहाँ डिस्प्लेस है, एम्पलीट्यूड ए निगेटिव। तो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को ही एक्चुअली ये रस्सी रिप्रेजेंट कर रही है आपकी, ठीक है। अब यहां से इस मोशन से हम फाइंड करेंगे इक्वेशन, ठीक है, इस वेव की इक्वेशन, इस वेव की इक्वेशन यहीं से निकल कर आएगी, रेफरेंस सर्कल से निकल कर आएगी। जो रस्सी या जो भी मीडियम है, ये इस मीडियम के डिफरेंट पार्टिकल्स को मैं नंबर दे रहा हूं, नंबर दे रहा हूं पार्टिकल को। ये जीरोथ पार्टिकल, ये पार्टिकल वन, ये पार्टिकल टू, ये पार्टिकल थ्री, और इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स, एक के बाद एक, एक के बाद एक डिफरेंट पार्टिकल्स के बारे में हम बात करते चले आएंगे। ये पार्टिकल आपके बन गए। अब किसी एक इंस्टेंट पर, किसी एक सर्टेन इंस्टेंट पर हम बना रहे हैं वेव की पोजीशन, पोजीशन ऑफ वेव, कि वेव की पोजीशन क्या बनेगी। वेव की पोजीशन मैं यहां टू पर एक्सट्रीम लेता हूं, और फिर यहां से कितने पर एक्सट्रीम आएगा, फोर पर, नहीं फोर पर तो जीरो जाएगा, सिक्स पर आपका एक्सट्रीम आएगा, और एट पर फिर ये बनेगा वही बिल्कुल जो साइन ग्राफ आपने बनाया था, वो रियल में, रियलिटी में बन जाता है, और ये सब मिलकर के होती फिर क्या, साइन वेव। यहां से फिर ये ऊपर गया, ट्वेल्थ तक नीचे आकर फिर ये आगे जाएगा, ठीक सबसे पहले किसने अपना मोशन स्टार्ट किया, जीरोथ पार्टिकल ने। फिर जीरोथ पार्टिकल ने अपनी एनर्जी, अपना मोशन दिया फर्स्ट पार्टिकल को, इसने मोशन स्टार्ट किया। फिर फर्स्ट पार्टिकल से इसका मोमेंटम, इसका मोशन सेकेंड पार्टिकल को मिला, सेकेंड को, थर्ड को मिला, फिर फोर्थ को, एक के बाद एक के बाद ये सारे के सारे मोशन में आते चले गए, ठीक है। ये एक तरह से हमने एक सर्टेन इंस्टेंट टाइम टी पर इसकी फोटोग्राफ खींच ली, रस्सी की या जो भी ये मीडियम है, उसमें ये सारी पोजीशन आ रही है आपकी, ठीक। अब हम एक जनरल पॉइंट लेंगे, एक जनरल पॉइंट लेंगे, मैंने ये पॉइंट लिया है नाइन्थ वाला पार्टिकल, नाइन्थ वाला पार्टिकल जिसकी जीरोथ पार्टिकल से डिस्टेंस है एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके क्या है, वेव प्रोपगेशन कितनी वेलोसिटी से है, ये वी वेलोसिटी से है, वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। देखो वेव क्या है, किसी डिस्टरबेंस का आगे बढ़ना, लेकिन आगे कैसे बढ़ रही है, तो सर्टेन वेलोसिटी होगी ना इसके आगे बढ़ने की। जैसे हम साउंड की वेलोसिटी कहते हैं 330 मीटर पर सेकेंड, आपने कहा कि साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब यह है कि आप यहां साउंड प्रोड्यूस करें, 1 सेकेंड बाद ये 330 मीटर दूर पहुंच चुकेगी, 2 सेकेंड बाद 330 मीटर और दूर, 660 मीटर दूर पहुंच चुकेगी। आगे बढ़ने की स्पीड है इसकी, आगे बढ़ने की स्पीड है क्या, वी, वी इसकी आगे बढ़ने की स्पीड है। हम 360 30 नहीं ले रहे, एक जनरल ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जीरोथ पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट किया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके बाद फर्स्ट पार्टिकल ने किया, उसके बाद सेकंड पार्टिकल ने किया, उसके बाद थर्ड ने, फोर्थ ने, आप सबसे लास्ट में, अगर मैं इस नाइन्थ पार्टिकल को रहूं, तो जीरो, जीरोथ पार्टिकल से नाइन्थ पार्टिकल तक डिस्टरबेंस को पहुंचने में कुछ टाइम लगा, कुछ टाइम लगा, ठीक है। यहां लिखा हुआ है कितना टाइम लगा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कितना टाइम लगा जीरोथ पार्टिकल से नाइन्थ पार्टिकल तक डिस्टरबेंस पहुंचने में कितना टाइम लगा। आप अगर चाहें तो यहां पर लिखा हुआ है, आप ध्यान से अगर देखें, एक्स तो डिस्टेंस है, ये जीरोथ पार्टिकल से नाइन्थ पार्टिकल की डिस्टेंस है एक्स।
नहीं, टाइम टी की तो मैं आपको बात बता पूछ रहा हूं आपसे कि टाइम टी कितना लगा ये, कैपिटल टी नहीं, यहां लिखा हुआ है, अगर इसका आप देखो तो आंसर यहां लिखा हुआ है, एक्स बाय वी टाइम लगा, एक्स बाय वी सेकेंड का टाइम लगा, सॉरी एक्स बाय वी सेकेंड का टाइम लगा। सिंपल सी बात है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब इस एक्स बाय वी टाइम का मीनिंग क्या है, बहुत ध्यान से समझना। जिस इंस्टेंट पर जीरोथ पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट किया, उसके एक्स बाय वी सेकेंड के बाद नाइन्थ पार्टिकल ने अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट किया। यहां तक की बात समझ क्लियर है। जीरो पार्टिकल का मोशन पहुंचा फर्स्ट में, फर्स्ट से ने अपना मोशन दिया सेकंड को, सेकंड ने अपना मोशन दिया थर्ड को, एक के बाद एक पार्टिकल पर ये मोशन ट्रांसफर होता रहा। नाइन्थ पार्टिकल तक मोशन को पहुंचने में थोड़ा सा समय लग गया। कितना समय लग गया, नाइन्थ पार्टिकल की जीरो पार्टिकल से डिस्टेंस देखो कितना है एक्स, और ये देखिए जीरो पार्टिकल से नाइन्थ पार्टिकल तक वेव कितनी स्पीड पर प्रोपोगेट कर रही है, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा वेव छोड़ते हैं, कुछ और बात करते हैं यहां से। आपको पता है कि सन से हम तक लाइट आने में कितना टाइम लगता है, सूरज से हम तक लाइट आने में कितना टाइम लगता है, हालांकि लाइट की स्पीड बहुत फास्ट है, लेकिन फिर भी हमारे और सन के बीच का इतना डिस्टेंस है कि पलक झपकते लाइट हमारे पास नहीं आ पाती, इसको कुछ टाइम लगता है। चलो एज एन एवरेज मोटे तौर पर 8 मिनट 18 सेकेंड, 8 मिनट 18 सेकेंड का टाइम लगता है। अब मैंने एक टेलीस्कोप लगा लिया सूरज की तरफ को, ठीक है, वहां एक इवेंट होने वाला था, किसी की शादी हो रही थी, मैंने कहा मैं तो यहीं से देखूंगा, वहां एक इवेंट होने वाला था, बढ़िया सा टेलीस्कोप लगा लिया, उस पर फिल्टर विल्टर लगा दिए ताकि आंखों पर चमक ना पड़े, सब कुछ कर लिया, ठीक है। तो मुझे वहां दिखाई दिया एक ज्वालामुखी की तरह विस्फोट हुआ, वहां एक ब्लास्ट हुआ ज्वालामुखी की तरह, और मैंने देखा कि ये जो टाइम, ये जो मैंने एकदम टाइम देखा किस टाइम हुआ ये 11 बजकर 27 मिनट पर हुआ ये काम, जो मुझे देखा, मुझे दिखाई दिया 11 बजकर 27 मिनट पर। तो क्या ये इवेंट वहां एक्चुअली 11 बजकर 27 मिनट पर हुआ है, नहीं हुआ, कब हुआ है, 11 बजकर 27 मिनट से कुछ टाइम पहले, 8 मिनट 18 सेकंड पहले ये काम वहां हुआ होगा, तभी तो हमें यहां अब दिखाई दे रहा है, क्लियर हुई बात। ये सन इज द नियरेस्ट स्टार, तो सन पर होने वाली जितनी भी घटनाएं आप देख रहे हैं वो एक्चुअली रियल टाइम में नहीं दिखाई दे रही आपको, वो आपको दिखाई दे रही है 8 मिनट 18 सेकंड के बाद में, जो वहां पहले ही हो चुका है, जो वहां पहले ही हो चुका है। और यहीं से एक बड़ा प्यारा कंसेप्ट निकल कर आता है कि अगर आप लाइट की स्पीड से फास्ट चल पाए किसी भी तरह, तो आप भविष्य में चले जाएंगे, भविष्य में चले जाएंगे, अगर आप लाइट की स्पीड से ज्यादा चल पाए। कैसे, मैं सूरज पर खड़ा हुआ था, मैंने देखा बहुत तगड़ा विस्फोट हुआ, मुझे बहुत प्यारा, मैं भाग के यहां आया आपके क्लास में, मैंने कहा देखो 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 वो होने वाला है वहां पर, मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं वहां देख कर आया हूं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको भविष्य की बात बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट से तेज चलना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर मैं 8 मिनट 18 सेकंड लाइट में लगे, अगर मैं आ जाऊं 2 सेकंड में, मैं कहूंगा बच्चों देखो बहुत प्यारा फिनोमिनन होने वाला सूरज पे, देखो बिल्कुल ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, क्यों, मैं तो देख कर आया हूं। और आइंस्टीन ने कहा था दुनिया का कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड पर नहीं चल सकता, उन्होंने एक मास रिलेशन दिया था कि अगर एक चींटी
एक छोटी सी चींटी अगर लाइट की स्पीड पर चलने लगे तो पता है उसका मास कितना हो जाएगा? पूरा यूनिवर्स एक लात में उठा के फेंक देगी वो, अपने एक पैर से पूरे अर्थ को नहीं, सन को नहीं, पूरे यूनिवर्स को फुटबॉल की तरह फेंक देगी, इतना इतना भारी हो जाएगी वो चींटी, इतने मास। एनीवे छोड़ो उसे बात को, वापस हम यहां आते हैं। अब यहां देखिए, इस पार्टिकल की, नाइन्थ पार्टिकल की इस टाइम डिस्प्लेसमेंट है वाई, अपनी मीन पोजीशन से इसकी डिस्प्लेसमेंट है वाई, करेक्ट? नाइन्थ पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है वाई। अब इस डिस्प्लेसमेंट को लिखने का एक बड़ा अलग स्टाइल है वाई, लेकिन इसके नीचे हम लगा देंगे एक्स कॉमा टी। इसका कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, कैलकुलेशन में एक्स और टी नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल का जो जीरो पार्टिकल से एक्स डिस्टेंस पर है, कब? टाइम टी पर। अब जो जो पोजीशन, जो मोशन इस नाइन्थ पार्टिकल का अब है, वही पोजीशन, वही मोशन इस जीरोथ पार्टिकल का कब रहा होगा, बताओ? आंसर आपको बता दिया अभी, आंसर आपको मैं बता चुका हूं। जो मोशन, जो पोजीशन इस नाइन्थ पार्टिकल का है अब, राइट नाउ, वही मोशन, वही पोजीशन जीरोथ पार्टिकल का कब रहा होगा, कब रहा होगा? 8 मिनट 18 सेकंड की बात भूल जाओ। नहीं, आप हाथ उठाइए और पूरा प्रॉपर आंसर दीजिए, कौन आंसर दे रहा है प्रॉपर मुझे, क्योंकि सब एक साथ बोल रहे हो तो समझ नहीं आ रहा। जो मोशन पोजीशन इस नाइन्थ पार्टिकल की है अब, राइट नाउ, वही मोशन, वही पोजीशन जीरोथ पार्टिकल का कब रहा होगा? हाँ बताइए। एक्स बाय वी टाइम पहले, अब से या कब से? बैठिए बैठिए, बिल्कुल सही उन्होंने बात बताई है, क्योंकि नाइन्थ पार्टिकल जो भी कर रहा है वो जीरो पार्टिकल के बिल्कुल, देखो नाइन्थ पार्टिकल जीरो पार्टिकल का ही जैसा है, सब कुछ वही कर रहा है नाइन्थ पार्टिकल जो जीरो पार्टिकल कर रहा है, लेकिन ये बाद में कर रहा है। कितने बाद में कर रहा है? एक्स बाय टी टाइम के बाद में कर रहा है, एक्स बाय टी, एक्स बाय वी सेकेंड के बाद में कर रहा है। तो जो हमें अब दिखाई दे रहा है, राइट नाउ, जो हमें एग्जैक्टली अब दिखाई दे रहा है, राइट नाउ, नाइन्थ पार्टिकल के साथ होता हुआ ये सब कुछ जीरो पार्टिकल के साथ कब रहा होगा? अब से एक्स अपॉन वी टाइम वी सेकेंड पहले। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इक्वेशन बन गई। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसा जो कुछ हमें इस समय नाइन्थ पार्टिकल के साथ होते हुए दिखाई दे रहा है, सब कुछ यही हुआ होगा जीरो पार्टिकल के साथ अब से एक्स अपॉन वी टाइम सेकेंड पहले। ओके, अब यहां जो वर्ड मैं बोल रहा हूं, अब को हटाकर टाइम टी लगा दीजिए। जो पोजीशन मोशन है नाइन्थ पार्टिकल का टाइम इंस्टेंट टी पर, वही पोजीशन, वही मोशन जीरोथ पार्टिकल का कब रहा होगा? अब एक स्पेसिफिक आंसर है इसका, एक बिल्कुल, जो पोजीशन मोशन नाइन्थ पार्टिकल का है टाइम इंस्टेंट टी पर, वही पोजीशन, वही मोशन जीरोथ पार्टिकल का कब रहा होगा? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, आंसर है तो किसी के पास? रेज योर हैंड्स, सिंपल है, अगर आप कोशिश करें समझने की और अपने अंदर से निकालने की तो बिल्कुल आसान है।
देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं वो पुराने पहली वाली बात को, कि जो अब है वो जीरो पार्टिकल के साथ अब से एक्स अपॉन वी सेकेंड पहले था। जो टाइम टी पर है, जो टाइम टी पर है नाइन्थ पार्टिकल के साथ, वो टी से कितना पहले रहा होगा? एक्स अपॉन वी सेकेंड पहले रहा होगा ना। तो टाइम का वो क्षण, वो इंस्टेंट का मेजर आप क्या देंगे? हाँ, कौन कौन दे रहा आंसर? ये किस किस का आंसर आ रहा है? ओके, टी माइनस एक्स अपॉन वी सेकेंड, जो अब है अब से एक्स अपॉन वी सेकेंड पहले है, मगर मैं बात कर रहा हूं चलो 1 घंटे बाद की, 1 घंटे से एक्स अपॉन वी घटा दो टाइम। करेक्ट, बस इक्वेशन बन गई है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन बन गई। वाई एक्स टी डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल का जो जीरो पार्टिकल से ओरिजिन से एक्स टाइम एक्स डिस्टेंस पर है, कब? टाइम टी पर। ठीक है, ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट जीरो पार्टिकल का ही डिस्प्लेसमेंट है। जीरो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते थे हम? ए साइन ओमेगा। लेकिन ये जीरो पार्टिकल का टाइम टी पर नहीं है। कब है ये? किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर है ये? ये है टी माइनस एक्स अपॉन वी सेकेंड पर। बस ये आपकी बन गई क्या? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन। एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रही है उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो ओरिजिन ऑफ वेव से, ये जो जीरो पार्टिकल है इसको हम बोलेंगे ओरिजिन ऑफ वेव, ओरिजिन ऑफ वेव से एक्स डिस्टेंस पर है, ओरिजिन ऑफ वेव से एक्स डिस्टेंस पर है। क्लियर है? लेकिन रूप क्या है इसका? ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है जीरो पार्टिकल का, बस अब नहीं है, टाइम टी पर नहीं है, टाइम टी से एक्स अपॉन वी सेकेंड पहले है। क्लियर है बात? ये पूरी आपकी कहलाती है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेस, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव। बिल्कुल बेसिक इक्वेशन है ये, बिल्कुल बेसिक इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की। यहां वाई क्या चीज है? वाई क्या है आपका? एक बार हम सारे चीजों को लिख लेते हैं, सारे पैरामीटर्स को क्या लिख लेते हैं। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ओरिजिन ऑफ वेव, जहां से वेव ओरिजिन हुई है उससे डिस्टेंस है ये। यहां एक्स क्या है? ये एक्स डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल कहां से? फ्रॉम ओरिजिन ऑफ वेव। टी क्या है? टाइम इंस्टेंट, वो क्षण जिस क्षण पर आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो। ए क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ एनी ऑफ पार्टिकल। विच इज इक्वल टू व्हाट? विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ रेफरेंस सर्किल। ओके, ये कहां तक ऊपर जाएगा? जब आप इस रेफरेंस सर्किल को बात कर रहे हो तो ये कहां तक ऊपर जाएगा? रेफरेंस सर्किल की रेडियस के तक जाएगा। जितना ये पैक मैक्सिमम जा रहा है एक साइड में, इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्लियर है बात? ओमेगा क्या चीज है यहां पर? ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल किसकी है? कौन सा पार्टिकल? मूविंग ऑन रेफरेंस सर्किल। या इस ओमेगा को हम इस नाइन्थ वाला जो पार्टिकल है, तो सर्किल पर मूव नहीं कर रहा ना, इस नाइन्थ पार्टिकल के लिए हम बोलेंगे इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। याद कीजिए हमने रेफरेंस सर्किल में भी एन के लिए इसको यूज करा था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा था। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन। एक्चुअली ये
एंगुलर स्पीड है पॉइंट पी की, लेकिन इसी एंगुलर स्पीड को एन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी में और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में आपको पता कैसे चलेगा डिफरेंस? इसके यूनिट से, रेडियन पर सेकेंड। ये टाइम, ये वाई किस में होगा? ये आपका मीटर में होगा। एक्स किस में होगा? ये भी मीटर में होगा। टाइम किस में होगा आपका? सेकेंड में। एम्पलीट्यूड क्या होगा? ये भी आपका मीटर में होगा। ओमेगा एंगुलर स्पीड, ये क्या है? रेडियन पर सेकेंड में। ठीक है, टी क्या चीज है यहां पर? टी है टाइम इंस्टेंट, वो तो अच्छा हमने लिख लिया पहले, सेकेंड में, करेक्ट। उसके बाद ये वी बचा आपका। वी क्या है चीज है? ये वी है आपका वेलोसिटी ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव। एक्चुअली ये वी जो है, देखो यहां आप ध्यान रखना, दो दो स्पीड आ जाएंगी। एक तो वेव के आगे बढ़ने की स्पीड आएगी जो कांस्टेंट है, एक ये पार्टिकल भी तो ऑसिलेट कर रहे हैं, इनकी भी स्पीड आएगी, इनकी भी वेलोसिटी आएगी जो कि कांस्टेंट नहीं है। आपको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब मीन पोजीशन पर होता है ज्यादा स्पीड होती है, जब एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो स्पीड जीरो हो जाती। क्लियर है बात? ध्यान रखिएगा, यहां जो वी है ये स्पीड ऑफ वेव है, डिस्टरबेंस के आगे बढ़ने की स्पीड, पार्टिकल की स्पीड नहीं है। पार्टिकल की स्पीड तो टाइम टू टाइम बदलती रहेगी, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। जीरोथ पार्टिकल की कुछ और होगी, फर्स्ट की कुछ और होगी, सेकंड की कुछ और होगी, थर्ड की कुछ और होगी, डिपेंड करता है कि ये अपने मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस पर है, कहाँ है मीन पोजीशन से। ये कंटिन्यूअसली क्या होगा? चेंज होता चले जाएगा, बदलता चले जाएगा। क्लियर हुई बात? तो दो स्पीड याद रखनी है, वी से हम रिप्रेजेंट करेंगे स्पीड ऑफ वेव और स्पीड ऑफ पार्टिकल रिप्रेजेंट करेंगे हम यू से। किस से रिप्रेजेंट करेंगे? यू से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हुई इतनी बात? यहां तक की वेव की सारी बात क्लियर हुई। अब बाकी क्या है? बाकी तो यही इक्वेशन है, इक्वेशन तो यही है, एक बेसिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के कई रूप है, इस इक्वेशन के कई रूप है। कैसे, क्या क्या रूप है इस इक्वेशन के? देखिए, बेसिक इक्वेशन, सिंपलेस्ट इक्वेशन, बेसिक एंड सिंपलेस्ट इक्वेशन क्या है? वाई एक्स टी, इस एक्स और टी का न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये केवल ये बता रही है डिस्प्लेसमेंट किस पार्टिकल का, जो ओरिजिन ऑफ वेव से एक्स डिस्टेंस पर है, कब? टाइम टी पर। ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ये तो बेसिक इक्वेशन हो गई। अब यहां छोटे 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 सब्स्टिट्यूशन आप करते चले जाओ। ओमेगा को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप किससे? 2 पाई बाय कैपिटल टी, टी माइनस एक्स बाई वी, ए साइन 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय कैपिटल टी इंटू वी। अच्छा, जरा सा इसे मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूं। कैपिटल टी इंटू वी वेलोसिटी, कैपिटल टी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है ना टाइम पीरियड, है? क्लियर है बात? फ्रीक्वेंसी मतलब 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू वी, करेक्ट। और वी को भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, वी इज इक्वल टू कितना है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेव। अभी हम अभी इसको डिस्कस कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो गई तो क्या बचा? टी इंटू वी मिलकर के क्या बचा कुल मिलाकर? ये क्या बच गया आपके लिए? ये लैम्डा बच गया। तो 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, एक ये इक्वेशन है जो बार बार हमें यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद छोटा सा और चेंज कर लूं मैं, देखिए जरा ध्यान से। इस लैम्डा को मैं बाहर ले लूं, इस लैम्डा को मैं बाहर ले लूं, तो वाई एक्स टी इक्वल्स ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा टी इंटू अपॉन का लैम्डा मैंने ले लिया तो ऊपर जाएगा लैम्डा अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स।
ठीक है, लैम्डा अपॉन कैपिटल टी देखना क्या बन जाएगा, वी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बताओ, वन अपॉन कैपिटल टी इंटू वेवलेंथ, तो लैम्डा अपॉन टी क्या बन गया, वी वेलोसिटी बन गई। तो इससे लैम्डा अपॉन टी को मैं क्या लिख लूं, वी लिख लूं इसे, तो ये क्या बन गया आपका वाई एक्स टी इक्वल्स ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। एक ही इक्वेशन बन गई, तीन मेजर इक्वेशंस बन गई ये वाली। एक में कैपिटल टी नहीं है, इसमें वेलोसिटी नहीं है, इसमें वेलोसिटी है लैम्डा नहीं है इसके अंदर, ठीक है।